आज हमारी मंजिल है उत्तर गुवाहाटी में स्थित अश्वकलंता मंदिर। गुवाहाटी वास्तव में एक खूबसूरत शहर है। इस वक्त हम मालीगांव फ्लाईओवर पर हैं। इस फ्लाईओवर से नरकासुर पहाड़ी का दृश्य अत्यंत मनमोहक है। गुवाहाटी शहर कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दरअसल शहर के मध्य में कुछ पहाड़ियां भी हैं। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। मैंने मंदिर के देवता को चढ़ाने के लिए कुछ फल खरीदे। अश्वकलंता मंदिर इस स्थान से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अश्वकलंता मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 22 मिनट लग जाएंगे। तो आइए ज्यादा टाइम बर्बाद किए बिना हम अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। हम अभी अभी सरायघाट पुल पार कर चुके हैं। सच में अंगठूरी पहाड़ी के साथ ये स्थान बहुत अच्छा दिखता है। अब अपनी कार को पूर्व दिशा की ओर लेके जाने का समय आ गया है। हमें अमीनगांव पार करना होगा। उत्तरी गुवाहाटी पिछले कुछ वर्षों से तीव्र गति से विकास हो रहा है। यहाँ IIT और AIM जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए गए हैं। ऐसा सुनने को आया है कि असम की राजधानी को उत्तरी गुवाहाटी में लेके जाने का बात हो रहा है। हालांकि ये कोई र्यूमर भी हो सकता है। मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है। मैं इस मंदिर मतलब ये देवालय है, देवालय का ये अश्वतीर्थ देवालय है। अश्वतीर्थ देवालय का अंदर दो मंदिर है। ऊपर में जो भगवान विष्णु का अनंतशायी नारायण मंदिर और नीचे जो में है पानी का सामने में नदी का किनारे में वो कुर्मरूपी जनार्दन, कुर्मरूपी विराजमान हुआ था वो कुर्मरूपी जनार्दन। कुर्मरूपी जनार्दन में मृतकों का जितना काल महत्व है, श्राद्ध पिंड तर्पण अष्टिकपन ये सब नीचे में होता है। और नदी का किनारे में जो है पानी का सामने में वो भगवान विष्णु का पदाशी में विराजमान है। तो भगवान विष्णु का विष्णु पद है, ये द्वितीय गया कह जाता है, ये पद गया है। तो नीचे का जो मंदिर है वो मंदिर 1620 AD में दरंगी राजा रघुनंदन राय ने बनाया था। उसका एक साल बाद 1720 में तो अहोम राजा शिव सिंह ने ऊपर का मंदिर अनंतशायी नारायण बनाया था। तो महत्व ये है इस अष्टतीर्थ जुगनीतंत्र में बोलते हैं अश्वक्रांत क्षमतीर्थ ना ही ब्रह्मांड गोचर है। तो कृत्य युगे पुष्करानी त्रेतायांग नमिखंडम दापरति कुरुक्षेत्रम अष्टतीर्थ कलो युगे, ये कलि युग में अष्टतीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ लिख के रखा हुआ है जुगनीतंत्र में। तो किस लिए, तो इस धरती पर इस जगह पर भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने 3 बार आया था।
एक बार रुक्मिणी को हरण करके लेनका ताई में वो उसका घोड़ा यहाँ रेस्ट लिया था, पानी पिया था, थक गया था, तो अश्वक्लांत हुआ था। तो एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध में जो अभिमन्यु को शक्र व्यूह में फंस कर रखा था, उस टाइम में अर्जुन को तत्व ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ तक अर्जुन को लेके आया था। और उस टाइम में कामरूप का नाम प्रागज्योतिषपुर था, तो प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर तो जो उसको प्रजा को उत्पन्न किया था, तो परित्राण था दोनांश विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामी जुगे जुगे। तो श्री कृष्ण ने दापर अधिपति द्वारका में वो राजा था, तो सत्यभामा का साथ रथ लेके आके यहाँ कुर्म रूप में धारण करके, तो भगवान विष्णु ने नरकासुर को यहाँ वध किया था, युद्ध हुआ था। तो ऐसे ऐसे वो तीन बार यहाँ आया था। यहाँ में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर एक साथ सन्निहित होके इस रहते हैं, तो इसलिए ये महान पुण्यतीर्थ अश्वक्रांत समय ना ही ब्रह्मांड को सर बोल रहे, तो दुनिया में नहीं है। तो हरिद्वार में जो है वो सिर गया है और ये हो गया पद गया है, विष्णु पद गया है। तो इसमें उत्सव मनाया जाता है तीन थू, जन्माष्टमी, फल्गु उत्सव और बैसाख और शोत महीने का पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्ल अष्टमी तिथि में अशोकाष्टमी मनाया जाता है। वो हजार हजार स्नान करने के लिए अष्टिक्षेपण तर्पण दान पिंडदान सरने के लिए यहाँ आते हैं, तो ये बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यह महालया भी होता है दुर्गा पूजा का, पहले जो पितृपक्ष है वो पितृपक्ष का दिन में भी यहाँ नेपाल का से भी नेपाली आदमी ज़्यादा आता है, आके यहाँ पिंडदान करने के लिए आता है, असमी लोग भी आते हैं, हर तरफ से यहाँ आते हैं, तो फॉरेनर लोग भी यहाँ आके रिसर्च करने के लिए आता है यहाँ। अश्वक्लांत मंदिर एक बेहद ही सुंदर स्थान पर स्थित है, ये पर्यटकों को आसानी से अपने ओर खींचता है। मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे एक अद्भुत आनंद मिला। अगर आप लोग गुवाहाटी आने का कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो अश्वक्लांत मंदिर विजिट करने का बात मत भूलिएगा। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके घोड़ों ने विश्राम किया था। अभी अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों को हम लोगों के अगले एपिसोड में और एक रोमांचक नए जगह में लेके जाएंगे।